जिस काम के लिए मैंने नॉमिनेशन फाइल किया है, चुनावी रण में मैं जा रही हूँ और 100% जीतने की आशा के साथ जा रही हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरी पार्टी के सारी, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे बड़े भाई रामचरण जी भाई साहब और छोटे भाई महाराज साहब, कैलाश जी, सारे लोग, कालीचरण जी तो चाचा जी हैं, तो वो भी मेरे सब साथ में हैं और उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और वो मेरी सफलता में पूरे पूरे सहयोगी रहेंगे, भागीदार रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन करके और लोकसभा में जो बिल पास किया था, उसका एक उदाहरण राजस्थान की राजधानी जयपुर का प्रतिनिधित्व एक महिला को करने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अब की बार 400 पार, फिर एक बार 400 पार। इस बार पहले नारी शक्ति वंदन का अधिनियम लागू नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, उसका बहुत बहुत लाभ हमें मिलने वाला है। जीत के बाद जो भी जयपुर के अधूरे काम है, क्योंकि मैंने बचपन से जयपुर को अभी तक बढ़ते देखा है, तो जो जयपुर में बचपन से लेके अभी तक जो विकास हो गया, उसके अलावा जो विकास है, ट्रैफिक का है, एक जो पलायन का जो हमारे यहाँ बहुत अपने आपको उठा रखा है मुद्दा, उसमें बिल्कुल सामंजस्य करके, और पानी का, ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या जयपुर के अंदर है, और बहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता को लेते हुए इन सब कामों पर फोकस करके मैं कार्य करूंगी। मेरे पिताजी ने पूरा जीवन पार्टी के लिए और पूरे प्रदेश की विकास के लिए दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए जयपुर के विकास का बहुत बहुत काम करूंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हमारी है, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के जो केंद्र की हमारी योजनाएं हैं उनको पूरा पूरा जयपुर में लागू करवाने के प्रयास में करूंगी और हमेशा जयपुर की जनता के बीच में एक बहन और बेटी की तरह अपना फर्ज निभाती रहूंगी। विजन क्या रहेगा मैम आपका, जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो विकास के कार्य का विजन क्या रहेगा? बताया ना आपको कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे, बहनों की सुरक्षा की समस्या है, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, और वर्ल्ड क्लास सिटी है, हमारे यहाँ टूरिज्म में बहुत है, टूरिज्म में ज्यादा कैसे पर्यटक जयपुर में आए, वैसे तो बहुत पूरे देश में, पूरी दुनिया में जयपुर के हवा महल का और सबका नाम है। मैं ये पूरे प्रयास करूंगी कि अधिक से अधिक पर्यटक हमारे जयपुर में आए और यहाँ का विकास करें और यहाँ के जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसके पूरे प्रयास करूंगी। जयपुर का कुछ फ्यूचर का विजन है कि भाई जैसे मेट्रो आई, नई कई योजनाएं यहाँ पर आई, टीआरसीपी का पानी और सारी चीजें लाने की बातचीत की जा रही है, तो जो क्या डेवलपमेंट आप प्लान करके चलती हैं अगले स्टेज में ग्रेटर जयपुर का देखती हैं, कि दो जयपुर बनाने की बात की गई थी फिर बाद में मर्जर करके, कि जयपुर का जो शहर का अपना एक महत्व है वो खत्म हो जाएगा, तो जयपुर को जयपुर ही रखा दो जिले बनाने के बजाय, तो अब आप क्या फ्यूचर में अपना वो लेकर के चलती हैं, प्लान नई योजनाएं क्या मिलेगी, नया विकास? जयपुर एक रहेगा, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा, क्योंकि जयपुर को बांटना नहीं चाहिए, जयपुर की आत्मा हर एक जयपुर का नागरिक है, चाहे बाहर रहे अंदर रहेगा, आत्मा उनमें रहती है जयपुर की। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जयपुर के लोग अपने आप को दो हिस्सों में बटा हुआ महसूस ना करें। 22 लाख से ज्यादा वोटर हो चुके हैं, कितना वोट टर्नआउट की आप उम्मीद करते हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से कि कम से कम मतदान करें, बाहर निकले वोट करें, उत्साह दिखाएं? 80% का मैं कहूंगी कि वोटर होगा, पूरा वोट कास्ट करेगा, अब जागरूक भी हो गया हमारा वोटर, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो गारंटियां उन्होंने दिए, गारंटियां दिए ही नहीं बल्कि उनके ऊपर काम भी करके दिखाया है, उस पर जनता भी अपनी गारंटी से उनके कैंडिडेट को चुन के संसद में भेजेगी। आप अपने प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं? प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी होते हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जब भी मेंबर रहे, जब भी है लोकसभा में, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा है, आगे भी रहेगा, ऐसी को पूरी आशा है।